बीएससी सेकंड ईयर यूनिट सेकंड पेपर सेकंड। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम जो चैप्टर थर्ड है उसका हम व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। उसका जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा और वो फॉर्मूला है सी एफ प्लस बी आई। सी एफ का मीन्स होता है पूरक फलन और पी आई का मतलब होता है आपका समाकल। अगर मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी यहां पर कि फर्स्ट कंडीशन अगर जीरो के बाद में इक्वल टू के बाद में जीरो हो तो हमें सिर्फ सी एफ निकालना है, और क्वेश्चन में इक्वल टू के बाद कोई भी एक्स का फंक्शन हो तो हमें सी एफ और पी आई दोनों को कैलकुलेट करना है। तो एक क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे, तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फॉर्मूले नोट करवाऊंगी, तो फॉर्मूले नोट कर लो आप। ओके, लिखो पहला फॉर्मूला। तो इसका जो पहला है हमारा वो है यदि m के मान, यदि m के मान भिन्न भिन्न आए तो, भिन्न भिन्न आए तो अर्थात m1, m2, m3 and so on mn. If we get different values of m, different values or m or m1, m2, m3 and so on mn. इसका क्या मतलब है कि हमारे पास यदि m के जो मान आए हैं वो क्या हो, अलग अलग मान हो, मतलब भिन्न भिन्न मान आए तो हमें क्या करना है, उसका सी एफ जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे इस फॉर्म में सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर एम थ्री एक्स एंड सो ऑन सी एन ई की पावर एम एन एक्स। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला, जब एम के मान क्या है, अलग अलग है, डिफरेंस है। ठीक है, अब सेकेंड लिखेंगे हम, जब m के मान समान हो, जब m के दो मान समान हो मतलब दो मान क्या है, m1 और m2, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, व्हेन द वैल्यू ऑफ m, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल, मींस m1 इक्वल टू m2। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, c1 e की पावर mx, क्यों, क्योंकि ये दोनों मान इक्वल है तो इसको मैंने m के इक्वल पुट कर लिया, तो c, एक मिनट, इसका फॉर्मूला होगा आपका c1 प्लस c2 e की पावर mx, c1 प्लस c2 e की पावर mx। अगर m के तीन मान या चार मान क्या हो, समान हो, तो इसमें मैं आगे जोड़ देती हूँ इस कंडीशन को, अगर m के मान समान हो, इस तरह से लिखना इसको, ठीक है, यदि m के मान समान हो m1 m2 m3 m4 so on mn equal to m, ओके, तो c1
M1, M2, M3, M4 ये किसके इक्वल है? M के इक्वल मान लो, ठीक है, किसके इक्वल? M के इक्वल। तो C1 e की पावर mx, C2 e की पावर mx, C3 e की पावर mx एंड सो ऑन Cm e की पावर mx। ओके, अब इन सब पार्ट में से कॉमन क्या है? C1, C2, C3 एंड सो ऑन Cn e की पावर mx। ओके, तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा, जब m के मान क्या हो, समान हो, तो जितने मान समान होंगे उतने बार हम c लिख देंगे। जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास m के दो मान समान आए, तो C1 प्लस C2 लिखेंगे, तीन आए तो C1, C2, C3, चार है तो 4 तक, 5 है तो 5 तक, और जो m के मान समान है तो जब हम e की पावर में लिखेंगे तो वो वैल्यू क्या आएगी? इक्वल आएगी, और इक्वल आएगी तो वो कॉमन आ जाएगी हमारे पास। दोनों को नोट करो, अलग अलग है मतलब डिफरेंस है, और दूसरा है जब m के मान क्या है, इक्वल है, तो cf हम किस तरह से लिखेंगे, क्लियर। अब लिखेंगे हम इसका थर्ड फॉर्मूला, जब m के कुछ मान समान वह कुछ मान अलग हो तो, ठीक है, क्या है क्वेश्चन? वैन सम वैल्यूज ऑफ एम इक्वल एंड सम वैल्यूज ऑफ एम आर डिफरेंट। कुछ मान तो हो गए समान और कुछ मान हो गए इसके अलग। जैसे कि मान लो M1, M2, M3, MK इक्वल टू क्या है? ये मान तो है इसके समान, ठीक है, और एंड MK+1, MK+2, MK+3 ये मान क्या है? डिफरेंट है। ये मान इक्वल है और ये मान क्या है? डिफरेंट है। तो इसका इस केस में जो हमारा CF का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो देखो, C1
e की पावर, ये सब वैल्यू इज इक्वल है किसके, m की, mx. c2 e की पावर mx प्लस ck e की पावर mx. ये तो हो गया हमारा किसका, जो वैल्यूज इक्वल है उनके लिए. अब जो वैल्यूज डिफरेंट है उनके लिए भी तो कितना होगा, तो c कहां तक यूज कर लिया, k तक. तो c k प्लस वन e की पावर m k प्लस वन x प्लस c k प्लस टू e की पावर m k प्लस टू x प्लस c k प्लस थ्री e की पावर m k प्लस थ्री. तो ये किस तरह से लिख दिया, जो हमने अभी पहला और दूसरा फॉर्मूला जो हमने लिखा था ना, उसको हमने कंबाइन कर दिया कि कुछ वैल्यूज जो m की है वो तो है समान और कुछ जो वैल्यूज है m के वो है डिफरेंट. तो हमने क्या किया, सेम वैल्यूज के लिए लिख लिया, फिर जो डिफरेंट वैल्यूज है उसके लिए फॉर्मूला पुट कर लिया. दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी एफ मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मीन्स पूरक फलक. तो नॉट करो इस थर्ड फॉर्मूले को, फिर हम फोर्थ फॉर्मूला लिखेंगे इसका. ये तो हो गया इक्वल वैल्यूज और नॉन इक्वल वैल्यूज के लिए. अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम पुट करेंगे वो पुट करेंगे हम, अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मतलब इमेजिनरी नंबर हो, रियल वैल्यूज हो, तो हमारा सी एफ का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा. ठीक है, क्या क्वेश्चन है, जब सहायक समीकरण के जो मूल है, जो हमारे आंसर है एम के, अगर उसका आंसर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या आ जाए, सम्मिश्र संख्या का मतलब आप सब समझते हो, वो संख्याएं जिसमें वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग क्या हो, समान हो. वास्तविक और काल्पनिक भाग समान होंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और दोनों को जोड़ देने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो देखो इसे. तो यहां हमने क्या पुट किया है, यदि जो हमारे मान है वो क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा. नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे हम, लिखो इसमें. जब m के मान सम्मिश्र संख्या में हो तो, सम्मिश्र संख्या में हो तो, अगर जो हमारे मान है m के वो सम्मिश्र संख्या में है तो हमारा आंसर cf का क्या होगा. तो मान लो कि आपके पास एक मान अल्फा प्लस बीटा आयोटा है और दूसरा मान अल्फा माइनस आयोटा बीटा है, तो आप किस तरह से उसके मान को लिखोगे. ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे इस मान को, देखो इसमें, यदि एक मूल, इसमें लिखो यहाँ पे वैन द वैल्यू ऑफ एम is form of complex number.
कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करके, यदि एक मूल युग्म, एक मूल युग्म अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा दो बार पुनरावृत्त हो तो, दो बार पुनरावृत्त हो तो हल। देखो इफ वन रूट पेयर is repeated two times, then solution. तो उसका हल क्या होगा हमें ये देखना है, ठीक है? तो देखो इसको हम लिखेंगे y equal to c1 plus c2x e की पावर जो हमारा एंट्री मान समान है ना, जहां समान लिखा था दूसरा फॉर्मूला उसको देखो सही करके ये लिखना है आपको, सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सी एन एक्स की पावर एन माइनस वन, इसके बाद लिख लेना ए की पावर एन एक्स। तो दूसरा फॉर्मूला सबसे पहले सही करो आप लोग अपनी कॉपी में, सी वन प्लस सी टू एक्स फिर सी थ्री एक्स स्क्वायर सी फोर एक्स की पावर थ्री सी एन एक्स की पावर एन माइनस वन, सही करो पहले दूसरा नंबर का फॉर्मूला। अगर एम के मान समान है तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा, ये वाला, इसे जल्दी से सही करो, वो हम एक्स लिखना भूल गए थे वहां पर, पहले ये करेक्ट करो फिर हम तीसरा फॉर्मूला करेक्ट करेंगे। कर लिया करें, क्या करना है दूसरे फॉर्मूले में, c1 वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सी एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है? अब तीसरा फॉर्मूला, तीसरे फॉर्मूले में भी हमने क्या किया था, जो मान समान थे ना सिर्फ आगे वाले उसके फॉर्मूले को चेंज कर लो, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सी के एक्स की पावर के माइनस वन ई की पावर एम एक्स प्लस सी के प्लस वन ई की पावर एम के प्लस वन एक्स प्लस सी के प्लस टू ई की पावर एम के प्लस टू एक्स प्लस सी के प्लस थ्री ई की पावर एम के प्लस थ्री एक्स। नोट करो ये तीसरे नंबर का फॉर्मूला, चेंज कर लो अपना दूसरा और तीसरे नंबर का फॉर्मूला चेंज कर लेना जो मैंने लिखवाया है, वहां जब समान आते हैं तो उनमें x भी लगना शुरू हो जाता है, ठीक है? सही कर लो इसे, हो गया तीसरा फॉर्मूला। अब लिखेंगे हम चौथे फॉर्मूले का, दूसरा और तीसरा फॉर्मूला सही कर लिया ना। अब देखो, अब है हमारा जब m की मान क्या है सम्मिश्र संख्या में है तो हम क्या करेंगे, c1 प्लस c2 x की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा x प्लस c3 प्लस c4 x e की पावर अल्फा माइनस आयोटा बीटा एक्स, ठीक है? या तो आप इस तरह से अपना आंसर लिख दो या फिर आप क्या करोगे इस तरह से, इसको लिखने के दो तरीके हैं, दूसरा लिखोगे y इक्वल टू e की पावर अल्फा एक्स ए वन प्लस ए टू एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस बी वन प्लस बी टू एक्स साइन बी
तरीके से, और दोबारा बोल रही हूँ कि दूसरा और तीसरे नंबर का मैंने जो फॉर्मूला दोबारा लिखवाया था ना, सही कर लेना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपके। अब ये फॉर्मूले तो आपके हो गए जो बुक में दिए हुए हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो तीन फॉर्मूला एक्स्ट्रा भी आएंगे। ठीक है, क्या होगा, दो तीन फॉर्मूले एक्स्ट्रा आएंगे कि हम सीएफ का मान और किस तरह से लिखें, तो वो हम जब सॉल्व करेंगे ना उसको, हम तभी वहां पर उसे देखेंगे। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तभी हम उसे देखेंगे। बराबर के बाद हमें जीरो मिलता है तो सिर्फ हमें किसका मान निकालना है, सीएफ का, मींस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरक फलन का। ठीक है, तो लिखो इसे।
हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में कि दिए हुए समीकरण को निम्न रूप में लिखा, मीन्स लिख दिया किस रूप में कि जो d अपॉन dx है उसे हमने कैपिटल D में चेंज किया है। तो हमने यहाँ पर d क्यूब y माइनस d स्क्वायर y माइनस d y प्लस का y। इसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा पार्ट कॉमन है वो हमने कॉमन ले लिया, मतलब y को हमने इस पार्ट में से कॉमन ले लिया। तो इसका जो सहायक समीकरण है ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या होगी कि जहाँ d है उसे हम इसमें चेंज कर देंगे m में। देखो आगे से सारे क्वेश्चनों का मेथड सेम रहेगा आपका, कोई भी चेंज नहीं है इसमें। देखो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस का m प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये क्या बन गई इसकी सहायक समीकरण। दोनों पार्ट में से कॉमन क्या है m स्क्वायर, क्या बचा m माइनस 1, यहां से मैंने माइनस 1 कॉमन लिया है तो m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 1 m माइनस 1 इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का क्या होता है a माइनस b a प्लस b। तो जब हम इन तीनों मूलों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो m का मान आया 1, यहां से m का मान माइनस 1 और यहां से m का मान 1, मतलब दो मूल समान है और एक जो इसका मूल है जो आंसर है वो क्या है अलग है, मतलब m के मान आ गए 1, 1, -1। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तीसरा फॉर्मूला। तो हम यहां से लिखेंगे cf इक्वल टू, अब देखो जो मान समान है वो किस तरह से, पहले वाले के लिए c1, जो दूसरा मान समान है उसके लिए c2 और इसमें किसका गुणा हो जाएगा x का। दोनों मान समान है तो e की पावर m x होता है, m का मान कितना है 1, तो मैंने रख दिया 1। c1 c2 मैंने यूज में ले लिया तो क्या आएगा c3, e की पावर m की जगह -1 x, मतलब जो इसका व्यापक हल होगा जनरल सॉल्यूशन वो क्या होगा इसका c1 प्लस c2 x e की पावर x प्लस c3 e की पावर माइनस का x। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नोट करो इसे। फिर हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल नोट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डी फोर वाई डी एक्स फोर टू डी क्यू वाई डी एक्स क्यू प्लस थ्री डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो देखो, सबसे पहले देखो इसमें दिए हुए समीकरण को, दिए हुए समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। वी कैन राइट, वी कैन राइट गिवन इक्वेशन इन द फॉलोइंग फॉर्म, इन द फॉलोइंग फॉर्म। इट मीन्स डी अपॉन डी एक्स को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें बदलना है, कैपिटल डी में, तो कैपिटल डी की पावर फोर वाई प्लस टू डी क्यू वाई प्लस थ्री डी स्क्वायर वाई प्लस का टू डी वाई प्लस का वाई इक्वल टू जीरो। अब इसमें से जो पार्ट आपको कॉमन है उसे कॉमन ले लो, तो डी फोर टू डी क्यू थ्री डी स्क्वायर टू डी प्लस का वन वाई इक्वल टू जीरो लिखो यहां तक। फिर हम क्या करेंगे, इसका सहायक समीकरण लिखेंगे, ठीक है। देखो आगे, इसलिए इसका सहायक समीकरण निम्न होगा, therefore its auxiliary equation will be, its auxiliary equation will be। तो हम क्या करेंगे, जो d है वहां क्या पुट कर देंगे, m। तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ओके okay?